बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। और तमाम तारीफें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो हम सब का खालिक मालिक और राजिक है। हवा की गुनगुनाती और बलखाती लहरों के दोष पर इस वक्त जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज पहुँच रही है, सुनने वाली तमाम खूबसूरत और हसीन समातों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेडियो सबका साथ। वेल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद वासिक और यकीन कामिल है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश बाश होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन रस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जी तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और मेरा नाम है अम्मारा चौधरी। और इस शो के जरिए मैं आप तक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करती हूं। लिसनर्स, इस वक्त आप मुझे नई सुबह के यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। तो अगर आप नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा नई सुबह NAISUBAH, तो नई सुबह का यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप नई सुबह के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि नई सुबह के आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सकें। इसके अलावा अगर आप नई सुबह के हवाले से मजीद कुछ जानना चाहें, तो आप नई सुबह के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, शो को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे पिछले शो में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में तुलू होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने दिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जी हाँ, सूरज सबसे पहले जापान में तुलू होता है। जिन जिन लोगों ने मुझे प्रीवियस शो में कमेंट्स किए, उन सबका बेहद शुक्रिया। मैं आप सबके नाम शामिल करती चलूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम शामिल करूंगी जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। उनमें शामिल हैं अफीरा आजम और अनम रशीद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया और शो को भी पसंद किया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शो में रिदा गुल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, लुबना अरशद, रुबाब जहान सेब, इन सब ने भी शो की तारीफ की है। देन वी हैव विद अस खाजा जी, असमत बीबी, मरियम असद, अरहम मलिक, शाइनिंग स्टार एंड राव वसीम। इन सब लोगों ने भी शो को पसंद किया, क्वेश्चन का आंसर दिया। आपके तमाम कमेंट्स और आपके क्वेश्चन का आंसर देने का बेहद शुक्रिया। जी तो लिसनर्स, आज के शो का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछती हूँ। तो क्वेश्चन ये है, ओस्लो किस मुल्क का कैपिटल है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास नेक्स्ट शो तक का टाइम है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन के आंसर को सोचिए, और अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपका कमेंट नेक्स्ट शो में शामिल करूंगी। हमेशा की तरह जैसे कि हमारे शो में एक रिडल होती है, आज के शो में भी एक इंटरेस्टिंग रिडल है। इस रिडल का आंसर मैं आपको शो के एंड पे बता दूंगी, लेकिन तब तक के लिए आपने इस रिडल के आंसर को सोचना है और अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है। तो हमारी आज की रिडल है, वो कौन सी जगह है जहां मौत जिंदगी से पहले आती है? जी हाँ, तो अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, यानी के इंफॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले तो लिसनर्स, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसका नाम है पोलैंड का टेढ़ा जंगल। जी हाँ, पोलैंड में ग्राइफेनो के मकाम पर टेढ़े दरख्तों का ये जंगल एक ऐसा मुअम्मा है जिसका राज अभी तक कोई नहीं जानता। इस इलाके में 1930 के करीब
400 से ज्यादा पाइन के दरख्त लगाए गए थे जो सारे के सारे टेढ़े होकर उगे, और इन दरख्तों का टेढ़ापन सारी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इस जंगल की सयाहत करने वाले इसे टेढ़ा जंगल कहते हैं, मगर पोलैंड में इसका नाम करजीवी लॉस है। जी तो लिसनर्स, आप बताएं, क्या आप इस जंगल की सैर करना पसंद करेंगे या नहीं? लिसनर्स, मेरा शो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे शो को लाइक कीजिए, इसे अपने सराउंडिंग्स में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप किस तरह के मजीद सेगमेंट्स और मजीद इंफॉर्मेशन मेरे शो में जानना चाहते हैं। तो आप सबको पता है कि हम पिछले शो में वेनेजुएला के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। वेनेजुएला की हिस्ट्री और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे हमने बात कर ली थी, लेकिन अब हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज वेनेजुएला के हवाले से कुछ मजीद बातें और इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो वेनेजुएला के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बच्चे रात को भी स्कूल जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क में हर स्कूल में 3 शिफ्ट्स चलती हैं। यहाँ स्कूल के बच्चे अपने पूरे स्कूल करियर के दौरान अपने लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट शिफ्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट और पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर वक्त मैटर नहीं करता, बच्चे जिस वक्त मर्जी स्कूल जाएं और अपनी तालीम हासिल करें। इसीलिए बच्चों को फ्रीडम है कि वो जब चाहें स्कूल जाएं। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 97% से भी ज्यादा है, यानी कि तकरीबन यहाँ की सारी पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड और लिटरेट है। तो अब बात कर लेते हैं वेनेजुएला की खूबसूरती के हवाले से। वेनेजुएला जैसे कि खुद बहुत खूबसूरत है, यहाँ की लड़कियाँ भी खूबसूरती, दिलकशी और रानाई में बहुत कमाल है। इसीलिए 6 मरतबा मिस यूनिवर्स और 5 मरतबा मिस वर्ल्ड वेनेजुएला की हसीनाएं मुंतखब हो चुकी हैं। वेनेजुएला में बच्चों के हवाले से एक अजीब कानून है कि वेनेजुएला में मैरिड खवातीन को अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हर वक्त अपने पास रखना पड़ता है, जिस तरह दीगर ममालिक में कार या बाइक का लाइसेंस ड्राइवर्स को हर वक्त अपने पास रखना पड़ता है। क्योंकि बच्चों से रिलेटेड कोई भी शॉपिंग करनी हो या कोई भी बेबी प्रोडक्ट बाय करनी हो तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी शॉपकीपर किसी भी खातून को अपने बच्चे के लिए शॉपिंग की इजाज़त नहीं देता है। इस मुल्क में बच्चों की शराय अमवात 1000 बच्चों में से 19 है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे शादी के कवानीन के हवाले से, तो यहाँ पे बॉयज के लिए शादी की उम्र 14 ईयर्स जबकि गर्ल्स के लिए शादी की उम्र 16 ईयर्स मुकर्रर की गई है। इस मुल्क में शादी के मौके पर लड़की के वालिदैन 13 गोल्ड के कॉइन्स या चॉकलेट सोने के वर्क में पैक करके अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस तरह करने से आने वाला वक्त दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो बात कर लेते हैं कुछ यहाँ की करेंसी के हवाले से और उस करेंसी के रेट के हवाले से। वेनेजुएला की करेंसी का नाम बोलीवर है। पाकिस्तानी 1 रुपया 16 बोलीवर के बराबर है और इंडियन 1 रुपया 25 बोलीवर के बराबर है, और एक अमेरिकन डॉलर 1,72,450 बोलीवर के बराबर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे ज्यादा अफराते जर की शराह 141% तक रिकॉर्ड की गई है। टाइम के लिहाज से वेनेजुएला पाकिस्तान से 9 आवर्स और इंडिया से 9.5 आवर्स पीछे है। वेनेजुएला में ड्राइव राइट साइड है, यानी ट्रैफिक यहाँ पर राइट साइड पे चलती है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड #58 है और डोमेन नेम .ve है। 2012 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अपने 3 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स होने पर एक लड़की को घर गिफ्ट दिया था। ये मुल्क दुनिया में 7वें नंबर पर शुमार होता है जहां पर सबसे ज्यादा जात बरादरी के लोग बसते हैं। ये मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके प्रेसिडेंट मुसलसल 13 साल तक हर संडे को टीवी होस्ट के तौर पर बजाते खुद शो करते रहे, और इस तरह दुनिया के वो वाहिद प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने टीवी शो
खुद पोस्ट किया। वेनेजुएला की खराब मईशत की वजह से, मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से 75% पॉपुलेशन का 16 पाउंड वेट कम हो गया। मुल्क में बढ़ती हुई सामान की किल्लत, बेरोजगारी, गुरबत और बच्चों की बढ़ती हुई बीमारियों की वजह से 30 लाख से जायद अफराद इस मुल्क से माइग्रेट करके दुनिया के दीगर ममालिक में आबाद हो चुके हैं। 1950 में वेनेजुएला दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी, लेकिन आज आप सिर्फ चंद डॉलर में ही वेनेजुएला के करोड़पति बन सकते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ऑयल है। इसके अलावा सीमेंट, एल्युमिनियम, कॉफी, कोको, स्टील और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम की तैयारी शामिल है। दीगर प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खाने की अशिया भी शामिल हैं। एग्रीकल्चर मुल्क की जीडीपी में सिर्फ 33% का हिस्सादार है। वेनेजुएला दुनिया के 7 सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज में शुमार होता है, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन और बदउनवानी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से अब यहाँ की हुकूमत जराइम और करप्शन के आदाद और शुमार भी जारी नहीं करती है। वेनेजुएला में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, गर्मी और खुश्क गर्मी। दूसरा मौसम बारिशें और हब्स ज़दा गर्मी। यहाँ सालों तक टेम्परेचर 28 से 30 के दरमियान रहता है। यहाँ के लोगों ने कभी सर्दी देखी भी नहीं है। दुनिया के बड़े पार्क्स में से एक कनेमा नेशनल पार्क वेनेजुएला में वाकया है और दुनिया की मशहूर तरीन एंजल फॉल्स इसी पार्क में मौजूद है। वेनेजुएला में सिमसोंग टेलीविजन शो पर पाबंदी आयद है। तो बात कर लेते हैं कुछ इस मुल्क के टैलेंट के हवाले से। जॉर्को इस मुल्क का नेशनल डांस है। यहाँ के लोगों का स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी बहुत मशहूर है और यहाँ की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस में मोस्टली यहाँ का लोकल टैलेंट शिरकत करता है। इस मुल्क का डांस दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। वैसे तो आप साउथ अमेरिका के किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ के लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन ये मुल्क इस हवाले से भी एक अलग ही हैसियत रखता है। यहाँ की नेशनल हॉलीडेज, सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स के दौरान मुल्क भर में खूब डांस किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ की मौसीकी की। यहाँ का म्यूजिक स्पैनिश और अफ्रीकन म्यूजिक का एक खूबसूरत मिक्सचर है। ईस्टर्न वेनेजुएला में वारो इंडियंस दरिया के साथ तिनकों की छतों से बने हट्स में पिछले 100 साल से रहते हैं और वो अभी तक इसी तरह रह रहे हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की स्पोर्ट्स के हवाले से। बेसबॉल इस मुल्क में खेली और देखी जाने वाली सबसे ज्यादा मकबूल तरीन खेल है। मुल्क के दीगर मशहूर खेलों में बास्केटबॉल और फुटबॉल शामिल हैं। वेनेजुएला के बहुत से प्लेयर्स अमेरिका माइग्रेट कर गए ताकि अमेरिका की बड़ी लीग में खेल सकें। क्रिस्टोफर कोलंबस वेनेजुएला के साहिले समंदर को तलाश करने वाला पहला यूरोपी था। वेनेजुएला में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 8.1% है। गैलप सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला के सिर्फ 22% अफराद का कहना है कि वो अपने कंट्री में बिल्कुल सेफ फील करते हैं और बाकी तमाम लोग अपने मुल्क से नाखुश हैं और उसकी वजह यहाँ पर जराइम की बड़ी तादाद है। वेनेजुएला गवर्नमेंट के 5 पिलर्स हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, सिटीजंस और इलेक्शन। इस मुल्क में 25,000 से ज्यादा इकसाम के प्लांट्स और फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। मुल्क का नेशनल फ्लावर फ्लोर टीमियो आर्किड है और नेशनल ट्री आर्गानी है। वेनेजुएला के जंगलों में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे बकसरत पाए जाते हैं। इस मुल्क में बर्ड्स की लगभग 1417 से भी ज्यादा टाइप्स पाई जाती हैं। इन परिंदों में 7 इकसाम ऐसी भी हैं जो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं पाए जाते, यानी ये सिर्फ वेनेजुएला ही के पास मौजूद हैं। इस मुल्क के अमेज़न रिवर में डॉल्फिन औरिंको मगरमच्छ कसरत से पाया जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 22 फीट तक होती है। वेनेजुएला का सबसे बुलंद तरीन मकाम पीको बोलिवर है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से
16,635 मीटर है। लेक मार्क्यूबा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। ये दुनिया की सबसे कदीम तरीन लेक्स में शुमार होती है और ये भी वेनेजुएला ही में मौजूद है। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से। वेनेजुएला में तकरीबन 1,00,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये टोटल पॉपुलेशन का 0.4% बनते हैं। ज्यादातर का ताल्लुक सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन और तुर्की से है। दारुल हुकूमत कराकस में तकरीबन 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कराकस में वाकया मस्जिद शेख इब्राहिम नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी मस्जिद में से एक है। वेनेजुएला का जजीरा मार्गरीटा अरब मुस्लिम्स की एक बड़ी कम्युनिटी का गढ़ है। मुल्क की 32% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपनी सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। इसी वजह से इस मुल्क में बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क में डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा जैसी बीमारियों का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। मुल्क की तकरीबन 30% पॉपुलेशन मोटापे का शिकार है। वेनेजुएला का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में होता है। आम लोग कभी भी वेनेजुएला की सैर के लिए नहीं जाते। यहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जो खतरों के खिलाड़ी हों, क्योंकि इस मुल्क को दुनिया के सबसे ज्यादा अनसेफ कंट्रीज में शुमार किया जाता है। लिसनर्स, ये तो हो गई बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के हवाले से। तो अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ के खानों पे। वेनेजुएला के खानों में बहुत ज्यादा हद तक स्पेनिश खानों की आमेजिश पाई जाती है। मुल्क के बुनियादी खानों में मकई की रोटी, आलू, चावल, फलियां, गोश्त, प्याज, बैंगन और पालक जैसी सब्जियां शामिल हैं। इस मुल्क में मीट से लेकर सी फूड तक आपको खाने के लिए बहुत इजीली मिल जाएगा। चीज चा अडीना इस मुल्क के लोगों की पसंदीदा तरीन ड्रिंक है। इसे चावल से बनाया जाता है और कहते हैं कि इस ड्रिंक को पीने के बाद आप इसे कभी भी भूल नहीं सकते। वेनेजुएला के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैकडोनल्ड्स बहुत महंगा है। यहाँ पर अगर आपको एक हैम बर्गर भी खाना होगा तो उसके लिए आपको एटलीस्ट $4 to $5 खर्च करना पड़ेंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को खाना खाने और दूसरों को खाना खिलाने का बहुत शौक होता है। यहाँ पर कोई भी अगर सयाह सैर करने के लिए जाए तो वो यहाँ के खानों का जरूर दीवाना हो जाता है। और यहाँ के खानों का एक अपना ही मजा और अपना ही जायका है जो पूरी दुनिया के किसी भी और मुल्क में नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी वेनेजुएला जाना चाहे तो मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला पाकिस्तान से 13,781 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। तो लिसनर्स, ये तो थी वेनेजुएला के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? तो अब हम शामिल करते हैं अगेन अपने शो की रिडल ऑफ द डे। जैसा कि मैंने आपसे शो के स्टार्टिंग में एक रिडल पूछी थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका आंसर आपको दूंगी, तब तक आप सोच रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो रिडल क्या थी। वो रिडल थी कि वो कौन सी जगह है जहाँ मौत जिंदगी से पहले आती है। इसके बारे में आपने सोचा होगा यकीनन। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है इंग्लिश डिक्शनरी में मौत जिंदगी से पहले आती है। जी हाँ, डी फॉर डेथ एंड एल फॉर लाइफ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं एक दफा फिर आपके साथ रिपीट करती चलूं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ओस्लो किस मुल्क का कैपिटल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मजीद किस तरह के सेगमेंट्स और इंफॉर्मेशन मैं अपने शो में इंक्लूड कर सकती हूँ। तो लिसनर्स, हमेशा की तरह मेरे पास आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कोटेशन भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये कोटेशन है थॉमस जे वॉटसन की और कोटेशन है, वुड यू लाइक मी टू गिव यू अ फॉर्मूला फॉर सक्सेस? इट्स क्वाइट सिंपल। रियली? डबल योर रेट ऑफ फेलियर। यू आर थिंकिंग ऑफ फेलियर एज द एनिमी ऑफ सक्सेस, बट इट इजंट एट ऑल। You can be discouraged by failure or you can learn from it. So go ahead and make mistakes. Make all you can.
because remember that's where you will find success. जी तो listeners, इसी के साथ मेरे शो का वक्त हुआ चाहता है खत्म. इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए मैं बस आप सबको इतना ही कहूँगी कि डू टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. रिमेम्बर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स. दिस इज मी अमारा चौधरी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.